नमस्कार दोस्तों, गैजेट्स.डॉट शिक्षा वेबसाइट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 9 बेस्ट स्मार्टफोन विद इन 25,000 रुपीज इन इंडिया। 9 सबसे बढ़िया स्मार्टफोन जो कि 25,000 से कम कीमत में भारतीय बाजार में उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्मार्टफोन जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो है ऑनर 8 प्रो, द बेस्ट स्मार्टफोन एट 25,000 रुपीज। दोस्तों, यह एक अकेला स्मार्टफोन है जिसके सारे फीचर्स फंक्शन वेल बैलेंस्ड है। अक्सर देखा जाता है कि जो प्रीमियम स्मार्टफोन होते हैं उसके 2-3 फीचर्स अच्छे होते हैं बट उसका बैटरी बैकअप बहुत पुअर होता है, लेकिन यह एक अकेला स्मार्टफोन है जिसका बिल्ड एंड डिजाइन, प्रोसेसिंग पावर, मल्टीमीडिया के फीचर्स, कैमरा फंक्शन और कनेक्टिविटी ऑप्शंस, बैटरी पावर सब कुछ बेहतरीन है। तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स एंड फंक्शंस हैं। इसके फीचर्स हैं, इसमें एंड्रॉयड ओएस है, ड्यूल सिम है और ये 4G ड्यूल सिम स्लॉट है। दोनों सिम स्लॉट में आप 4G सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं बट एक टाइम में, एक वक्त में सिर्फ एक ही सिम 4G नेटवर्क पे एक्टिव हो सकता है। इसमें सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसका बिल्ड एंड डिजाइन बेस्ट है मार्केट में। इतना बढ़िया बिल्ड एंड डिजाइन, आई थिंक इट्स नॉट लेस देन एन इनोवेशन। क्योंकि क्या होता है, अक्सर प्रीमियम स्मार्टफोन को स्लिम रखने के लिए उसकी बैटरी बैकअप को कम कर दिया जाता है। अक्सर आप देखिएगा जो टॉप लाइन स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें जो बैटरी बैकअप रहता है यूजुअली 3200, 3000 और 3500 mAh की क्षमता की होती है, लेकिन इसमें है आपको 4000 mAh लिथियम पॉलीमर बैटरी और इसका थिकनेस 6.9 mm है। इस प्रकार यह दी स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है भारतीय बाजार में। तो स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है बट इसकी बैटरी पावर भी काफी अधिक है, काफी रिलायबल है। यह एक मेटल बॉडी स्मार्टफोन है और इसका ग्रॉस वेट है 184 grams। इसमें जो स्क्रीन है वो बिग स्क्रीन है, 5.7 inch विथ QHD डिस्प्ले एंड 515 PPI पिक्सल डेंसिटी पर इंचेज। इसमें जो डिस्प्ले है वो है IPS LCD। इसमें कॉर्निंग गरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट, 73.44%। परफॉर्मेंस के लिए इसमें पावरफुल 64-bit ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है विथ 6GB रैम एंड माली GPU और ऑनबोर्ड स्टोरेज है इसमें 128GB, जिसको आप 128GB मोर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो टोटल इस पे जो ऑनबोर्ड स्टोरेज हो सकता है, पॉसिबल है, वो है 256GB। ऑनर 8 प्रो का कैमरा बहुत बढ़िया है। इसके प्राइमरी कैमरा में 12MP प्लस 12MP सेंसर है जो कि 4K रिकॉर्डिंग कर सकता है और इसका फ्रंट कैमरा है 8MP सेंसर जो कि फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकता है। बैटरी तो मैंने आपको बताया ही और इसमें है फास्ट चार्जिंग विच इज बेस्ड ऑन USB Type-C। तो इसका जो फास्ट चार्जिंग है वो रियली इफेक्टिव है। अगर आप 10 से 15 मिनट इसको चार्ज करते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे का यूज टाइम मिल जाएगा और इसमें VoLTE भी है, वॉइस ओवर LTE नेटवर्क। अगला फोन जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो है सोनी एक्सपीरिया XA1 प्लस स्मार्टफोन विथ एक्सेलेंट कैमरा एंड एडवांस कनेक्टिविटी ऑप्शंस। ये एक बेहतरीन स्मार्टफोन है। इसके 3 प्रोज फैक्टर्स हैं जिसके कारण इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी इसकी वर्तमान कीमत है करीब 23,000 और 23,000 में ये फोन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको एक डेली यूज फोन चाहिए विथ ब्रिलियंट कैमरा, एडवांस कनेक्टिविटी ऑप्शंस एंड प्रीमियम डिजाइन, तो सोनी एक्सपीरिया XA1 प्लस से बढ़िया अभी कुछ भी नहीं है भारतीय बाजार में। इसका लुक्स एंड डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें सोनी का सिग्नेचर डिजाइन है विथ स्टेट ऑफ द आर्ट कर्व एंड फिनिश। बहुत बढ़िया दिखता है ये फोन और इसके प्रोसेसर को मैं ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इसमें है 64-bit ऑक्टा कोर मीडिया टेक प्रोसेसर विथ 4GB रैम। 25,000 के फोन में अगर 4GB रैम है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। इस फोन का प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है बट वो प्रीमियम फीचर्स नहीं है इसके। इसके 3 प्रीमियम फीचर्स जैसे मैंने आपको बताया, इसका बिल्ट इन डिजाइन, इसका कैमरा फीचर्स और इसकी एडवांस कनेक्टिविटी ऑप्शंस, ये एक तरह से सरप्राइज ही है कि सोनी का ये पहला स्मार्टफोन है जिसकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें सारे जो मॉडर्न कनेक्टिविटी ऑप्शंस है USB Type-C, NFC सब कुछ इसमें अवेलेबल है। तो 23,000 में ये एक बढ़िया फोन है अगर आपको एक स्टाइलिश फोन चाहिए। इसके बाद मैं सजेस्ट कर रहा हूँ Xiaomi Redmi Note 5 Pro, द बेस्ट बजट स्मार्टफोन एट प्रेजेंट। दोस्तों, इस फोन की कीमत है 14,000 और 14,000 में Xiaomi बहुत कुछ दे रही है। मतलब किस तरह से Xiaomi ये करती है मैं सोच से परे है क्योंकि कोई दूसरा ब्रांड ऐसा कमाल नहीं कर सकता जैसा सोनी कर पाता है। इस फोन में 5.99 inch के QHD डिस्प्ले है और इसका पिक्सल डेंसिटी है 403। इसमें IPS LCD डिस्प्ले है विथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन। इस फोन में स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दी बेस्ट अमंग ऑल Xiaomi स्मार्टफोन, मतलब Xiaomi के जितने भी स्मार्टफोन्स आए हैं उसमें सबसे बढ़िया स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसी फोन में है, 77.43%। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है 64-bit ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर विद 4GB रैम और इसका ऑनबोर्ड स्टोरेज है 64GB।
कैमरा के लिए इसमें है 12 MP प्लस 5 MP रियर कैमरा विथ सोनी CMOS इमेज सेंसर जो कि फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकता है, बट इसका बेहतरीन फीचर्स है 12 MP फ्रंट कैमरा अगेन विथ सोनी सेंसर विच कैन ऑल्सो डू फुल HD रिकॉर्डिंग। तो अगर आपको एक सेल्फी कैमरा चाहिए 20,000 से कम कीमत में तो मुझे लगता है कि Xiaomi Redmi Note 5 Pro बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, Xiaomi के फोन की जो ड्यूरेबिलिटी होती है उतना बढ़िया नहीं होता है। मेरे कजन ब्रदर ने 2 Xiaomi के फोन इस्तेमाल किए, मैंने उनको कहा कि आप Asus के फोन ले लो या Huawei के फोन ले लो या फिर Nokia के फोन ले लो या फिर आप एक कूलपैड के स्मार्टफोन ले लो या फिर आप सैमसंग का स्मार्टफोन ले लो, तो उन्होंने कहा कि नहीं Xiaomi के फोन के फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं तो इसलिए मैं Xiaomi का फोन लूंगा। अभी 2 फोन लेने के बाद उन्होंने कहा कि नो मोर Xiaomi के स्मार्टफोन, क्योंकि 6 महीना के अंदर में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में Xiaomi के फोन अच्छे नहीं होते हैं, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। बट अब आपको सोचना है कि आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए या फोन के स्पेसिफिकेशन चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेगा तो मैं जाऊंगा ड्यूरेबिलिटी के लिए। मेरा जो फेवरेट ब्रांड है वो है Asus, मैं Asus का फोन इस्तेमाल करता हूं और उसकी ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट होती है। अगर आपको Asus का फोन नहीं चाहिए तो आप लीजिए Huawei का फोन, अगर आपको Huawei भी पसंद नहीं है तो आप ले सकते हैं कूलपैड के फोन या फिर सैमसंग के फोन। चलिए अगला फोन जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो सैमसंग गैलेक्सी C7 Pro, दी बेस्ट स्लिम स्मार्टफोन। इस फोन की जो बॉडी थिकनेस है वो सिर्फ 7 इंचेज है, एक ब्रिलियंट स्मार्टफोन है, इसमें 4GB रैम है। बट मैं ये फोन सजेस्ट करूंगा सिर्फ सैमसंग के लॉयलिस्ट के लिए। मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ सैमसंग के प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उनके लिए ये फोन परफेक्ट है। बाकी लोगों को यह फोन मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि अगर आप 23-24 हज़ार में ये फोन ले सकते हैं तो फिर 25 हज़ार में Huawei Honor 8 Pro क्यों नहीं लीजिएगा, जिसके सारे फीचर्स कमाल के हैं और उसका बॉडी थिकनेस भी 6.9 mm है। जो सैमसंग के लॉयलिस्ट हैं उनके लिए ये फोन परफेक्ट है। 25 हज़ार से कम कीमत में सैमसंग का यह फोन बहुत बढ़िया है। अगला फोन जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो है इन्फिनिक्स 05 Pro, 6GB रैम स्मार्टफोन, 20,000 rupees। इन्फिनिक्स ब्रांड के बारे में मुझे कुछ खास आइडिया है नहीं, आई थिंक ये न्यू ब्रांड है भारतीय बाजार में। यह फोन जो है 05 Pro वेरियंट जो है इसमें 6GB रैम है और 20,000 से कम कीमत में एक ब्रिलियंट स्मार्टफोन है। ये एक्सक्लूसिवली रजिस्टर्ड है ऑन फ्लिपकार्ट और ये धड़ल्ले से बिक रहा है। अब चलिए देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। इसके स्पेसिफिकेशन है 7.9 mm थिकनेस, नॉट द बेस्ट। इसका ग्रॉस वेट है 179 grams और एक मेटल बॉडी स्मार्टफोन है। इसका डिस्प्ले है 5.98 इंचेस फुल HD विथ 368 PPI, ठीक है। इसमें IPS LCD डिस्प्ले है विथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो नॉट वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट 71.86%। परफॉर्मेंस के लिए इसमें 64-bit ऑक्टा कोर मीडिया टेक प्रोसेसर विथ 6GB रैम एंड ऑन बोर्ड स्टोरेज है 128GB। इसमें जो कैमरा है 12 MP प्लस 13 MP विथ सोनी सेंसर, ड्यूल LED फ्लैश भी है और इसमें 16 MP फ्रंट कैमरा है। इसमें बैटरी है 4350 mAh लिथियम आयन विथ फास्ट चार्जिंग और ये जो फास्ट चार्जिंग है बेस्ड ऑन USB टाइप सी सही में इफेक्टिव होगा। तो क्या 19,000 में आपको ये फोन लेना चाहिए? मुझे नहीं लगता है, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन इन द मार्केट। मैं कहूंगा कि 6,000 और डालिए और आप ले लीजिए Honor 8 Pro। इसके बाद आता है कि Oppo F3 Plus दी बेस्ट 6GB रैम एंड्रॉइड स्मार्टफोन अंडर 25,000 rupees। दोस्तों अगर आपको एक परफेक्ट सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन बिल्कुल परफेक्ट है। सेल्फी कैमरा के लिए Oppo का बहुत नाम है, Oppo के स्मार्टफोन सेल्फी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसमें जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है फॉर ब्रिलियंट सेल्फी वो बहुत ही बढ़िया होता है, वो परफेक्ट सेल्फी लेने में बहुत मदद करता है। तो आप ये फोन ले सकते हैं अगर आप रेगुलरली सेल्फी लेते हैं। और इस फोन के स्पेसिफिकेशंस हैं, इसमें एंड्रॉयड OS है, ड्यूल सिम, फिंगरप्रिंट सेंसर और इसका बॉडी थिकनेस है 7.3 mm, वेट है 185 grams, इसमें मेटल बॉडी है, डिस्प्ले है 6 इंच विथ फुल HD और इसमें 74.90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें 64-bit ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है विथ 6GB रैम और ऑनबोर्ड स्टोरेज है 64GB और एडवांटेज है, इस फोन का मेमोरी एडवांटेज है USB OTG सपोर्ट। कैमरा के लिए इसमें है 16 MP प्राइमरी कैमरा एंड 16 MP प्लस 8 MP फ्रंट कैमरा विथ CMOS सेंसर। बैटरी इसमें है 4000 mAh लिथियम पॉलीमर जो कि क्विक चार्जिंग है बेस्ड ऑन माइक्रो USB 2.0। तो सेल्फी के लिए फोन बिल्कुल परफेक्ट है, सेल्फी के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप 22,000 रुपया नहीं खर्च कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं Xiaomi का स्मार्टफोन, वो भी सेल्फी के लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन है। नेक्स्ट स्मार्टफोन जो कि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो है कूलपैड कूलप्ले 6 ड्यूरेबल मेटल बॉडी ड्यूल कैमरा स्मार्टफोन।
अगर आपको एक ड्यूरेबल स्मार्टफोन चाहिए तो कूल पैड इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन द इंडियन मार्केट। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग कूल पैड के स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, पिछले 2-2.5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और आज तक उनका फोन सर्विस सेंटर नहीं गया है। यह एक तरह से अचीवमेंट ही है। कूल पैड के स्मार्टफोन बहुत ड्यूरेबल होते हैं। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कूल पैड कूल प्ले 6 जो कि 15,000 की कीमत में आती है। इसमें ड्यूल सेंसर कैमरा है विथ 4GB रैम। इसका ऑनबोर्ड स्टोरेज है 64GB जिसमें से आपको लमसम 51 to 52 GB फ्री मिलता है जो कि बहुत काफ़ी है। इस फोन की कीमत है 15,000। ये फोन मैं हैप्पी रिकमेंड करूंगा। इस फोन को मैं बहुत दिन से सजेस्ट कर रहा हूँ बहुत सारे आर्टिकल्स में, जैसे लास्ट टाइम मैंने इसको सजेस्ट किया था इस आर्टिकल में, दिस 6 बेस्ट ड्यूल कैमरा स्मार्टफोन दिस फेस्टिवल सीजन। नेक्स्ट है, अगर आपको एक बिग स्क्रीन स्मार्टफोन चाहिए, आपको एक टैबलेट साइज का स्मार्टफोन चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा Xiaomi Mi Max 2 दी बिग स्क्रीन स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज। इस फोन का स्क्रीन साइज है 6.4 इंच और इसमें जो इसकी बॉडी थिकनेस है वो है 7.5 इंचेज जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है और इसका ऑनबोर्ड ये 3 वेरियंट में उपलब्ध है, 32GB, 64GB एंड 128GB। मैं सजेस्ट करूंगा आप लीजिए 64GB जिसकी कीमत है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16,000 रुपीज। और इस फोन को भी हम लोगों ने ऑलरेडी सजेस्ट किया हुआ है इस आर्टिकल में, 23 बेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च दिस ईयर। ये फोन आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं, ये बेस्ट है और इसके जो प्रो फैक्टर है वो यही है कि इसका बिग स्क्रीन। उसके बाद है एट द एंड एट द लास्ट 9th बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25,000 रुपीज इज Xiaomi M7 पावर द बेस्ट स्मार्टफोन फॉर एवरी डे यूज। अगर आपको एक रेगुलर स्मार्टफोन चाहिए विद पावरफुल बैटरी तो ये फोन बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें 5000mAh बैटरी है और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कमाल ही है। चलिए देखते हैं इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। 15,000 इसकी कीमत है, 8.6mm बॉडी थिकनेस है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। इसका वेट है 199 ग्राम्स जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड है कंसिडरिंग 5000mAh बैटरी ऑन बोर्ड। इसमें मेटल बॉडी है, इसमें डिस्प्ले है 6 इंच विथ HD रेजोल्यूशन जो कि बिल्कुल परफेक्ट है विथ 268 PPI पिक्सल डेंसिटी बिल्कुल सही। IPS LCD कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 प्रोटेक्शन एंड 78.62% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो क्या होता है कि आपको कितना परसेंट स्क्रीन वापस मिल रहा है। टोटल 6 इंच स्क्रीन में पूरा वापस नहीं मिलता आपको, 100% नहीं मिलता, रायदा 74%, 73%, 78%, 76% जो भी परसेंटेज लिखा रहा था वो आपको रिटर्न मिलता है एज ए एक्चुअल डिस्प्ले। इसमें आपको 78.62% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल रहा है जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, नॉट वन ऑफ द बेस्ट है, दी बेस्ट है मार्केट में। परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है तो इसका जो इस फोन का जो परफॉर्मेंस होगा बहुत ही स्मूथ होगा। 64 बिट ऑक्टाकोर प्रोसेसर विद 4GB रैम बिल्कुल सही है। इसमें USB OTG भी है। कैमरा इसमें 13MP रियर कैमरा विद सोनी सेंसर जो कि फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकता है और इसमें 8MP फ्रंट कैमरा भी है। और इस फोन में है 5000mAh लिथियम पॉलीमर बैटरी विद क्विक चार्जिंग और इसमें वॉइस ओवर LTE नेटवर्क भी है और इसके दोनों सिम स्लॉट में आप 4G सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक ही सिम 4G नेटवर्क पे एक्टिव रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपके साथ डिस्कस किया टोटल 9 बेस्ट स्मार्टफोन। चलिए मैं फिर से रिकैप करता हूँ। 9th बेस्ट स्मार्टफोन है वो है Xiaomi M7 पावर एट 15,000 रुपीज, ग्रेट फॉर एवरीडे यूज। Xiaomi Mi Max 2 बिग स्क्रीन स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज। कूल पैड कूल प्ले 6 अ ड्यूरेबल स्मार्टफोन विथ ड्यूल सेंसर प्राइमरी कैमरा 4GB रैम एंड वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज। उसके बाद आ जाता है सेल्फी कैमरा ओप्पो F3 Plus द बेस्ट 6GB रैम एंड्रॉइड स्मार्टफोन अंडर 25,000 रुपीज। उसके बाद है 19,000 की कीमत में इन्फिनिक्स 05 Pro 6GB रैम स्मार्टफोन इन 20,000 रुपीज। सैमसंग लॉयलिस्ट के लिए, सैमसंग के फैन के लिए सैमसंग गैलेक्सी C7 Pro द बेस्ट स्लिम स्मार्टफोन। इस फोन की थिकनेस सिर्फ 7 इंचेज है और उसका अभी वर्तमान का कीमत है 23,000। इस फोन को हम लोगों ने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है यहाँ पे, फुल रिव्यू एट 7 decent smartphone अंडर 30,000 रुपीज विद पावर एक्स। तो आप इस लिंक को क्लिक कीजिएगा आपको रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पे इसका फुल रिव्यू अवेलेबल है। उसके बाद आ जाता है 14,000 की कीमत में दी बेस्ट बजट स्मार्टफोन एट प्रेजेंट Xiaomi Redmi Note 5 Pro। इसमें है 6 इंच के स्क्रीन और इसमें है 6GB रैम। इसका फ्रंट कैमरा है 20MP विथ सोनी सेंसर जो कि फुल HD रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। इसमें 4000mAh बैटरी भी है और इसमें क्विक चार्जिंग भी है बेस्ड ऑन USB Type-C। उसके बाद आ जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश स्मार्टफोन विथ ब्रिलियंट कैमरा एंड एडवांस कनेक्टिविटी ऑप्शन सोनी एक्सपीरिया XA1 Plus स्मार्टफोन विथ एक्सलेंट कैमरा एंड एडवांस कनेक्टिविटी ऑप्शन। इसको आप कंसिडर कर सकते हैं 23,000 में।
बट दी बेस्ट स्मार्टफोन है एट 25,000 रुपीज ऑनर 8 प्रो। ये एक अकेला स्मार्टफोन है जिसके सारे फीचर्स वेल बैलेंस्ड हैं। फोन में कोई कॉन्स है ही नहीं मेरे राय में। इस फोन का एक ही कॉन्स है कि इसका ब्रांड है हुवेई, जिसके बारे में हाल ही में FBI ने एक नोटिफिकेशन जारी किया फॉर अमेरिकन पब्लिक सेइंग दैट हुवेई कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो चाइना के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, सो इट्स नॉट गुड फॉर अमेरिकन पब्लिक टू बाय हुवेई डिवाइसेस। यही एक इसका कॉन्स है, लेकिन इस डिवाइस में कोई कॉन्स नहीं, यह डिवाइस बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आपका बजट 25,000 है या 20,000 भी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसमें 5,000 और डालिए और आप खरीदिए ऑनर 8 प्रो। दोस्तों इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उसको क्लिक कीजिए, वो आपको रिडायरेक्ट करके इस वेबसाइट पे, यहाँ पे आकर के आप इस जो टोटल 9 फोन मैंने सजेस्ट किए हैं उसके डिटेल्ड रिव्यू पढ़ सकते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स को जान सकते हैं, और आपको उसमें से जो भी आपको पसंद आता है उसको आप खरीद भी सकते हैं। खरीदने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, ये आपको रिडायरेक्ट करेगा रिलेवेंट वेबसाइट पे जहाँ पे आप इसको कम से कम कीमत में ऑनलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रेजेंटेशन ऑन बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25,000 रुपीज एट प्रेजेंट इन इंडियन मार्केट आपको पसंद आया। अगर मेरी कही हुई बातें आपको अच्छी लगी तो दीजिए इस वीडियो को थम्सअप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।